नहीं चल 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 मार चल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पेद्दा वागु कहते हैं इसको, ये महाराष्ट्र के नेशनल हाईवे 163 या 63 है, कौन सा है किसी को पता है? 163 नहीं 63 है शायद, ये नेशनल हाईवे 63 हाईवे है, ये जगदलपुर टू निज़ामाबाद का रोड है, यही है वो पेद्दा वागु जो कि हमेशा, इस बार भी इतना बड़ा पुल बना हुआ है लेकिन फिर भी ये रोकता है, रास्ता रोकता है हमेशा, है ना। गाड़ी बस डूब गया था उधर, जलमग्न होता है ये पूरा, देख रहे होंगे कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, देख सकते हैं। यहाँ पिकनिक भी आया करते हैं बहुत लोग, इधर के पास पास वाले गांव वाले पिकनिक आते हैं यहाँ पे, मछली पकड़ते हैं, बहुत अच्छा जगह है। तो अभी अगर आना होगा तो यहाँ भी थोड़ी देर रुक कर अपना मन बहला कर फिर आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। चलो फिर निकलते हैं आगे। बंदर इतना सारा देखिए, चल 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 चल, ज़्यादा देर भी नहीं रुकना है, ये कुछ खाने वाला है सोच के खींच लेगा बहुत सारा है, वेट कर रहा है लेकिन हम लोग बहुत पिला रहे हैं, बहुत सारा है लेकिन कुछ खाने का लाए नहीं है, वरना इनको कुछ खाने का लाते तो बढ़िया होता। ओके है आगे, और अगर दिख रहा हो आप लोग को यहाँ से तो आगे और भी है, दिखाता हूँ। ये देखिए इतना सारा बंदर है यार, यार पहुंच गए यहाँ। देखो ये पता नहीं इतना सारा लट्टा पकड़ाया है कि अब बेचने वाला है पता नहीं, अभी हम लोग को थोड़ा भूख लग रहा है तो चलते हैं थोड़ा कुछ ले लेते हैं भाई खाने के लिए कुछ दे तो। ये कितने के? वाकई यार बहुत देर हो गया है, भूख लग रहा है तो मैं यहाँ लेने आया हूँ कुछ खाने के लिए, अभी लेते हैं। ये वाला दे दो, कितने का है? 5 रुपये का दे दो। क्या नाम है भाई तेरा? हर्षित की दुकान से ले रहे हैं। पाँच, एक और आएगा, छः, धन्यवाद। इसी को खा के भूख मिटाना है अभी थोड़ा, बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं। ये बढ़िया फोटोग्राफी कर रहे हैं अपने हंटर लोग। लट्ठा दिख रहा होगा, पता नहीं चंदन का लकड़ी जैसा तो लगा हुआ है, पकड़ाया हुआ है कि नहीं पता, बेचने का होगा। तो पहुंच तो गए हमारा डेस्टिनेशन, लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि साला दरवाज़ा ही बंद है, कैसे करें। यही वो पार्क है जहाँ पे फॉसिल्स वगैरह है। अब हम लोग महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ बॉर्डर भोपालपट्टनम होते हुए NH 63 में जगदलपुर टू निज़ामाबाद के इस रोड में ये पहला ऐसा कुछ देखने योग्य दृश्य मिलता है हम लोग को, लेकिन क्या करें बैड न्यूज़ यही है कि दरवाज़ा बंद है।
ये फ्रेंड्स लगा रहे हैं, कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं कि कहीं से अंदर जाने का कोई दरवाजा खुला हो, मतलब सेकंड या थर्ड दरवाजा कोई जुगाड़ के थ्रू है क्या? चलो अंदर चलो भाई, तुम इधर से जाएंगे अंदर, फोन करो ना, समझ समय को नहीं समझता है। गेट तो अच्छा दिख रहा है, अंदर क्या क्या है देखते हैं। यही वो पार्क है जहाँ हम लोग आना चाह रहे थे, वर्दम फॉसिल पार्क, सिरोंजा फॉरेस्ट डिवीजन। यहाँ पे फॉसिल है, यहाँ पे शायद ये इस पार्क को गवर्नमेंट ने बनाया है। यही बैड न्यूज़ है, क्या करें, दरवाज़ा ही बंद है। जुगाड़ लगा रहे हैं कहीं से अंदर जा पाए हम लोग, देखते हैं अंदर में शायद डायनासोर के भी कुछ कुछ, अब क्या है ये पता नहीं, जाकर ही पता चलेगा। इस पार्क के बारे में सुने तो बहुत हैं, गए कभी नहीं, पहली बार आ रहे हैं। मिला अनिल, कहाँ से जाएंगे है क्या? कूदूँ क्या? ये अच्छी बात है कि हम लोग महाराष्ट्र के भी दो लोग मिले हैं, इन्हीं के साथ अंदर जाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि चलो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, कोई अगर अगला बंदा भी मिल जाए और वो भी ऐसा एक सही रास्ता नहीं, दूसरे रास्ते से अंदर जाए। नागपुर, हाँ ये लोग आए हैं नागपुर से, हम लोग तो छत्तीसगढ़ से आए हैं, और आप में से बहुत सारे व्यूवर्स तो जान रहे होंगे हम कहाँ से, छत्तीसगढ़ भोपालपट्टनम गोल्लागुड़ा से, ये जो आए हैं दोनों को नागपुर से। गार्ड लग गया है, जा रहे हैं हम लोग पार्क के अंदर, फॉसिल पार्क के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे जीवाश्म रखा हुआ है, इन दोनों कहाँ जीवाश्म। अच्छा ये है जुगाड़, ये यही लगाया है जुगाड़ उसका, भारत की खोज की तरह, उसकी तरह ये गेट की खोज किया है, दरवाजे की खोज। ये है, हम लोग अंदर से भी अंदर आ चुके हैं, चलो चश्मा निकाल लिया था, अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बैठने वगैरह के लिए भी बनाए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गड़ भी चुका है रास्ता वगैरह, क्या है पता तो रहे, पहले आ चुका है यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अंदर देखने लग योग्य है, सब बता रहा है, देखते हैं क्या क्या है। शायद यहाँ पे रुकने के लिए भी ये बनाया गया होगा, मे भी रेंट में मिलता होगा, लेकिन पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि ना तो सिक्योरिटी गार्ड है ना यहाँ कोई दिख रहा है, तो मैं किसी बहुत दूर में दिख रहा होगा डायनासोर का कुछ, चलो वहाँ पास जाकर दिखाता हूँ। ये ज़्यादा अच्छा है ब्रिज, टूट न जाए भाई, बहुत पुराना ही लग रहा है, देखा बढ़िया है ना, अच्छा काफ़ी अच्छा बना है, शायद बरसात में आने में यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे फोटोग्राफी हो रहा है, इंटरलॉक फोटो ले रहे हैं, आवाज़ आ रहा है कि नहीं ये नहीं पता, देखता हूँ। ये भी वैसी ब्रिज रहा होगा, ओवर ब्रिज बनाए थे यहाँ, मतलब यहाँ से नहीं जाऊँगा भाई, मेरा कैमरा बढ़िया है, डायनासोर दिख रहा होगा, इसे काफ़ी सारा अच्छा चीज़ बना है डायनासोर के वगैरह की, वो पता नहीं कैसा टाइप का है, मेरे को डायनासोर को ये नहीं मालूम कौन सा किसका नाम है, लेकिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पेड़का वड़का सा लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है, बैठते हैं वहाँ बाद में जाकर, अभी बैठेंगे तो भी है वो। चलो चलो बाकी साथी लोग निकल गए हैं, जाते हैं। ये क्या है, खाना वाना खाने के लिए? बट अरे नहीं यही है वो फौजी, मैं दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाऊँगा ऐसा कि यही पहला जो दिख रहा फौजी है, ये एक्चुअल में पेड़ रहा है, पेड़ गिर कर जो है पत्थर का रूप में आ गया, मतलब फौजिल समझ रहे होंगे, ये वही है। तो चलो आगे और भी है, बोलते हैं यहाँ पर क्लियर दिखेगा, दिखाता हूँ, अभी शायद नहीं देख पाए हूँ अच्छे से, लेकिन यहाँ पे डायनासोर का बहुत ज़्यादा वो बना हुआ है स्टेचू से, किस चीज़ है पता नहीं मेरे को, डायनासोर से क्या लिंक है यहाँ का नहीं मालूम, लेकिन ये है फौजिल पार्क, को देख सकते हैं कि जगह जगह पे फौजिल पड़े हुए हैं, ये भी वही है पत्थर की तरह दिख रहा है जो फौजिल है, अब ये तो अब अपने को पता नहीं, जो अब ये जो फौजिल्स है ये तो पत्थर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले डेफिनेटली आर्कियोलॉजिस्ट का टीम आया होगा पहले उस पर, फिर जो भी उनके तरीके से टेस्टिंग या फिर कार्बन टेस्टिंग जो भी होता है एज फाइंडिंग वगैरह, तो उसके आधार पर पता चला है कि फौजिल है यहाँ पे बहुत सारा, तो उसी को फौजिल पार्क के नाम से महाराष्ट्र का गवर्नमेंट डेवलप किया है। तो हाँ यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको,
ये महाराष्ट्र के जो नागपुर से आए हैं उनका भी फोटोग्राफी चल रही है। चलो देखते हैं। अच्छा ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। देख पत्थर जैसे है ना पूरा, अरे पत्थर ही है। ये लो, ये लो। पकड़ो कैमरा में फौजी ले। लेकिन अब इसको कैसे पहचानी है ना। यही वो जीवाश्म है, जीवाश्म। अब आर्कियोलॉजिस्ट अगर आकर इसका टेस्ट जब निकल किए होंगे तभी जाके ये फौजिल कहलाया है। तो अब हम लोग को पता नहीं, ये भी बंद है लेकिन कैसे चले गया। जो भी आएंगे चढ़ सही है, लेकिन हाँ जो भी आएंगे, जैसे अभी ये खुराफाती इंसान जो उठाया है वहाँ से पत्थर, ऐसा ना उठाएं। तो आप लोग इसको, ये आपका भी जिम्मेदारी है, हमारा भी जिम्मेदारी है कि उसको वैसे ही जैसे संरक्षित करके रखा गया है वैसे ही रखा जाए। अब मैं चलता हूँ। क्या बोला? अच्छा फोटो क्या ये ले, पूरा फाजिल के साथ तेरा वीडियो ही आ रहा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी जो फॉसिल देख रहे हैं, जैसे ऐसा ब्रिज झूला जैसा वाला तो बहुत जगह बना हुआ है, ये अच्छा लग रहा है लेकिन देखने में। और शायद बार बरसात में आते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ से पानी वानी बहते रहता और जो आपको ग्रीनरी दिख रहा है यहाँ पे हरा भरा और ज़्यादा होता है ना। अभी वैसे बरसात ख़त्म हुए बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन अब सूख चुका है पानी। तो आपको ये आ गए हैं, ये यहाँ पे बहुत बड़ा फजिल का वो रखा हुआ है, शायद ये लोग इतना बड़ा शेड बनाया है इसी के लिए है। अब इसके अंदर शायद नहीं जाना होगा, देखते हैं। यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको फजिल? ये जुगाड़ इंसान कहीं से भी चला जाता है। ये पता एक बार और क्या है, चिल्पी चिल्पी जैसा जो दिख रहा है, ये टेक्स्चर ना। हाँ तो इससे थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। और जैसे इसका राउंड शेप जैसे बना हुआ है, हाँ इसको देख के तो लग रहा है कि पक्का ये पेड़ ही रहा होगा। अब तो फाजिल बन चुका है, तो देखें सही बात है, ये सही है। अब ये मेरे ख्याल से बन चुका है पूरी तरह से, लेकिन इसको देखकर अभी पहचान सकते हैं कि ये पेड़ रहा है, पेड़ था वही तो पत्थर है ये सब पूरा पति। चलो इसी वीडियो में लेके आएंगे पुलिस वाले, आ जाएंगे। सही है यार, बहुत घूम लिए हैं ये पार्क, फजिल पार्क लगभग पूरा, लगभग नहीं पूरा ही कवर कर लिए हैं। जाते हैं थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ बहुत अच्छे से सुंदर सा बना हुआ है, शायद बैठने के लिए होगा। हाँ बैठने के लिए ही है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ कैंटीन वगैरह होना चाहिए था थोड़ा सा और मेंटेनेंस थोड़ा नहीं है। शायद जब से ये बना है तो मेंटेनेंस पर थोड़ा ध्यान कम दिया गया है। ये मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, अगर कभी सिरोंचा जाते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आके इस खूबसूरती का, और वो फाजिल अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। वाह यहाँ तो गूंज भी रहे हैं, काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छा है ये, देख इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप कुछ खाने पीने का लाते हैं तो यहाँ पर खाकर, लेकिन हाँ कभी कचरा वचरा ना कीजिए। अगर बैग वगैरह लाते हैं तो उसी में अपना कचरा ले जाइए, क्योंकि वैसे भी मेंटेनेंस की कमी है यहाँ पर। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सही है, बहुत सही जगह है। अच्छा ये शायद ये कौन से भी बना, इसलिए यहाँ पे गूंज रहा है ना, यहाँ बहुत गूंज रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। अब जैसे ही हम किनारा जा रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ पे नहीं गूंजेगा। सही है, बहुत सही है। तो काफ़ी देर आराम कर लिए हैं हम लोग, चलते हैं क्योंकि शाम भी हो रहा है। डैम भी जाना है आपको, डैम भी दिखाऊँगा ऐसे वादा किया था, तो उसको भी करते हैं पूरा। तो चलिए, ये खुराफाती इंसान वहाँ जाके फ़ोटो वोटो खींचा रहा है। चल चल चलते हैं, चल बहुत लेट हो गया, आजा फिर कभी आते हैं तो फुर्सत से। वैसे भी फुर्सत से घूम चुके हैं बहुत कुछ। चलो चलते हैं, लेट हो चुका है। घूम घूम के बहुत प्यास लग रहा है, यहाँ से पानी बॉटल ले लेते हैं। है पैसा ना रखा है? बढ़िया है, अच्छा दुकान है यहाँ पर, काफ़ी कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। पानी बॉटल ले लेते हैं, डैम का भी बंद नहीं होगा, 8 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे वही बंद हो जाएगा। किस्मत है कि टाइम है अपने पास, घूम लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि कभी आएंगे तो 10 रुपीज़ की कॉइन ना लाएँ, 10 या 20 कोई भी कॉइन यहाँ नहीं चलता है, 10 और 20 रुपीज़ के, सो ओनली नोट चलेगा, तो यहाँ पे नोट ही लाएँ। और थोड़े से दूर में बस डैम पड़ेगा, अभी डैम चलते हैं।
और पानी बॉटल दिए। हाँ दे दो दे दो। हाँ बुला ले, चाय भी है यार, किस्मत है कि चाय भी मिल गई। हाँ ठीक है, ओके ठीक, पैसा। ये जो मैं आप लोगों को जब भी दिखाया था लट्ठा वाला, अब चंदन का तो नहीं है लेकिन पुष्पराज वाला पूरा फिल्म का फील आ रहा है। पुष्पराज का जो मूवी था तेलुगु का, उसी का एकदम से डिट्टो फील आ रहा है। ये बैठे हैं पुष्पराज के, ये उन्हीं के लेबर लोग हैं। है तो आर्टिस्ट बीएफए किए हुए लेकिन अभी वो नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? बस अभी पुष्पराज का पोज लेने के लिए तैयार हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे फोटो सेशन करेंगे थोड़ा सा। आप यहाँ पे अगर लाइव आके देखोगे तो पूरा का पूरा पुष्पराज का ही फील आएगा। को डैम की ओर जाते जाते लगभग शाम हो चुका है, शाम तो हो चुका है, रात भी होने वाला है, तो वैसे भी ठंडियों का मौसम है ना, तो जल्दी सूरज डल जाता है। ये शायद डैम बनने के बाद बहुत लोग इधर आके बसे हुए हैं। मैं भी इस बार लास्ट बार जो बाढ़ आया था इस बरसात में, तो उसके बाद आए होंगे इधर डैम के बाद, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुआ था। हाँ इधर कुछ कुछ दुकान वगैरह भी अच्छे से बन चुका है, पहले मैं जब आया था वैसे दुकान वगैरह कुछ नहीं था। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा दूर में कोई लाइटिंग वगैरह, तो वो डैम ही है। पहुँच गए हैं, दूर से दिख रहा होगा वो लाइटिंग का श्रृंखला, जो लाइट्स वगैरह जल रहे हैं वही है डैम। लेकिन पहुँचते पहुँचते हम लोग को थोड़ा सा रात हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, लाइटिंग का खूबसूरत भी शायद आप लोग को वीडियो में उतना खूबसूरत उसका ना दिखे खूबसूरती, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी रह चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियो नहीं बना पाया, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोग आइए, ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ आते हैं तो आप लोगों का दोनों टूरिस्ट प्लेस विजिट हो जाएगा। एक तो ये डैम, जो कि बता दूँ लिफ्ट कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के नाम से है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ा बजट भी है, अभी शायद ये अंडर मतलब ऑपरेटिंग है, लेकिन इसके आजू बाजू भी अभी पार्क वगैरह बनने वाला है ऐसा सुनने को मिला है। बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, बट आपको वो फॉजिल पार्क तो ज़रूर देख सकते हैं वहाँ आकर। तो आप अगर इस रास्ते पे आते हैं तो दोनों प्लेस एक ही साथ विजिट कर सकते हैं, ये अच्छा हेड अप आपका पैकेज है। देखने अभी भी अंडर कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन चल ही रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे भी वो जेसीबी खड़ा हुआ है, ये अपने फंटर लोग निकल रहे हैं, हम लोग को ट्रक साइड पे दे रहा है, तो चलो आगे देखते हैं। शायद वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, तो हो सकता है इस क्लिप को मैं डालूं कि या ना डालूं, लेकिन अगर डालूं तो ये मैं जैसे बताया कि अगर इस रास्ते में आते हैं तो दोनों टूरिस्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हैं, आइएगा ज़रूर। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये लाइटिंग होता है वो तो आप जान ही रहे हैं, जैसे शहर दिन में कैसे दिखता है और रात का उसका रौनक क्या होता है, वैसे ही इस डैम का भी खूबसूरती और भी 10 गुना बढ़ जाता है रात में। तो आप जब यहाँ पे आके विजिट करेंगे तो इस खूबसूरती का आपको अंदाज़ा होगा, तो आइए ज़रूर। अच्छा ये है कि हम लोग समय रहते पहुँच गए, वरना ये 8 बजे के बाद बंद हो जाता है, ये भी जानकारी दे दूँ आप लोगों को। जैसे कि वो फजिल पार्क भी में भी इसका 5 बजे तक होगा, वहाँ तो कहीं लिखा नहीं था लेकिन बंद रहा, तो लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स वहाँ विजिट किए थे तो वो खुला था, तो उस हिसाब से मैं बताऊँ तो फजिल पार्क भी शायद 4 के बाद बंद कर दिया जाता है, और ये डैम जो है वो 8 बजे तक ही ओपन रहता है। तो हाँ ये खूबसूरती आपको देखने योग्य है, देखिए एंजॉय कीजिए। आगे अभी डैम बस पहुँच ही गए, ये पहला पिल्लर ये है, और बता दूँ यहाँ पे इसके अब कितने हैं, 86 पिल्लर कुछ हैं, मैं लास्ट टाइम काउंट किया था, एग्जैक्ट काउंट में भी 85 है। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, वाह ये देखे, जब आप यहाँ आएंगे तो इसका अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये वीडियो में तो आपको शायद उतना खास नहीं लग रहा हो। अब इधर देखेंगे तो पानी आपको दिख रहा है कि नहीं, कि वैसे मैं गाड़ी में हूँ तो वाह ये देख रहे हैं, ये पिल्लर नंबर है कितना, ये है P9 पिल्लर 9 है, ये पिल्लर 10 है, तो ऐसे करके टोटल 85 पिलर्स है, तो सोचिए कितना बड़ा डैम है। और जान रहे हो ये एक ये रिजर्वायर एक उसमें से है, जो कि जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें 7 लेन में शायद बन रहा है, तो ये वन ऑफ द रिजर्वायर है जो कि बहुत बड़ा है, और
पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन ये उसमें से एक है। तो ऐसे करके बहुत सारे 19 रिजर्वायर्स हैं और बहुत सारे कैनाल्स हैं, ऐसे करके 7 लेन में बन रहा है ये। तो अगर पूरी प्रोजेक्ट की बात करें जो कंप्लीट 7 लेन के साथ जो बन रहा है, वो तो अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये उसमें से एक प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसका खूबसूरती आप देख सकते हैं यहाँ से, कितना सुंदर दिख रहा है। और सच बोल रहा हूँ कि अगर आप विजिट करेंगे इसको, जब इन पर्सन आएंगे इसको देखेंगे, तो रात का नज़ारा और थोड़ा रात ढल जाएगा और थोड़ा रात हो जाएगा तो आप समझ में आएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत है, जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है वहाँ तक पूरा का पूरा पानी है। तो आपको वीडियो क्वालिटी में भी थोड़ा सा गिरावट दिख रहा होगा क्योंकि रात का व्यू है। ये अपने फंटर लोग हैं, उसका लुफ्त ले रहे हैं। मैं भी काफ़ी समय से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर लुफ्त लिया जाए इस नज़ारा का, उसके बाद फिर से वापस आते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। चलो काफ़ी देर हो चुका है, हम लोग यहाँ का आनंद पूरी तरह से ले चुके हैं। तो अब सोच रहे हैं कि आगे एक अम्बड़पल्ली करके छोटा सा बस्ती जैसा गांव है, तो वहाँ जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, थोड़ा स्नैक्स का टाइम तो वैसे भी हो चुका है, लेकिन जाएंगे ये सब करके आएंगे फिर अब घर की ओर निकलेंगे। काफ़ी देर से यहाँ पे हैं हम लोग, तो चलो फिर मिलते हैं। बोल, ये अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, मतलब कुछ कुछ गाड़ियां हैं ना बहुत ज़्यादा, क्रेन वगैरह है, ये क्रेन है इतना बड़ा सा, ये जैसी भी पता नहीं क्या क्या, ये भी क्रेन ही है, क्रेन का ज़्यादा यूज होता है। ये भी इधर मंदिर भी बन गया है, तो ये लोग काम वाम करने वाले रुके होंगे इधर ना, वो डैम दिख रहा है यहाँ। ये गाँव अम्बड़पल्ली है, अगर आप डैम घूमने आते हैं और आपको भूख वगैरह लगता है तो यहाँ अम्बड़पल्ली 2 किलोमीटर आगे डैम के आगे आइएगा, तो यहाँ पे चाय वाय का बढ़िया अच्छे अच्छे दुकान है, वैसे तो नाश्ता स्नैक्स भी मिल जाएगा, चाय वाय जो भी लंच जो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आके यहाँ पर भी आप अपना बुक वगैरह लग रहा है तो मिठा सकते हैं बुक, और फिर चल सकते हैं कहीं अगर जाना है तो, एक अच्छा ब्रेक पॉइंट हो सकता है। चाय पी लेते हैं, ले लो ले लो। बहुत घूम लिए, अब हम लोग जा रहे हैं, इतना देर से घूम लिए ये डैम छोड़ रहे हैं। और कैसा लगा बताओ भाई लोग, खैरागढ़ से आए हुए बताओ तो कैसा लगा है? बहुत मज़ेदार भाई, बहुत मज़ेदार। और तुम लोग आर्टिस्ट लोग है, तुम्हारा नजरिया के हिसाब से बताओ कैसा रहा? पहचान सकता है, सही है। यहाँ की कला तो आपको कैसी लगी? हाँ बढ़िया लगा है, कई मज़ेदार है। तो क्या बोलना चाहोगे, आने बोलोगे सबको? वेलकम टू तेलंगाना, वेलकम टू तेलंगाना। अच्छा ये और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये ट्रायंगुलर बॉर्डर रहा है हमारा भोपालपट्टनम जो है, ट्रायंगुलर बॉर्डर है, जो कि आप अगर छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करोगे तो महाराष्ट्र आओगे, और यहाँ तक अगर आ जाते हो तो इसको जैसे ही डैम पार करोगे तो इधर आपको तेलंगाना पड़ेगा। तीन राज्यों का आनंद ले सकते हो, हाँ तीन राज्यों का आनंद ले सकते हो आप लोग। चलो वैसे बहुत रात हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं, इतना देर से बहुत देर इसका भी लुत्फ उठाए हैं हम लोग। कभी आना हो तो आइएगा, ज़रूर घूमिएगा। अब चलते हैं हम लोग घर की ओर, तो चलो फिर यहीं पे वीडियो भी समाप्त करते हैं।